जो पवित्र आत्मा की आवाज सुनेगा उसकी कमी खत्म हो जाएगी। प्रभु को सुन के कोई खोटा नहीं है। वो गूगल मैप से बहुत स्ट्रांग उनका सिस्टम है जीपीएस का। तुम किसी भी अंधेरे क्षेत्र में हो, तुम यदि उसकी आवाज सुनते हो, प्रभु तुमको बाहर लेके आ सकते हैं। और जिसको भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करनी है, उसको आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आप भटकेंगे नहीं। आत्मा की अगुवाई के बाहर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना असंभव है। कंफ्यूजन हम लोग की विरासत है। हम लोग बहुत जगह लिमिटेड हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम लोग के निर्णय आत्मा के प्रभाव में। मैं लोगों से पूछता हूं, आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हो तो आप ये क्यों अपेक्षा करते हो कि शैतान बात कर लेगा? ये कई लोगों का डर देखा मैंने, प्रेयर प्रभु से करेंगे फिर डरते रहेंगे शैतान तो भटका नहीं देगा। ये कौन सा विश्वास है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। आमेन। आपने प्रार्थना प्रभु से की है, शैतान कैसे जवाब दे देगा? जिसको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, उसको आत्मा की अगुवाई चाहिए अपने जीवन में। उसके बिना यह असंभव है, इम्पॉसिबल टास्क है। परमेश्वर आपके मन की आवाज से, आपके पास्टर के द्वारा, बाइबल के द्वारा, दूसरी किताबों के द्वारा किसी भी ढंग से बात कर सकते हैं। जब आप फास्टिंग में होते तब बात कर सकते हैं। परफेक्ट विल, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी आवाज सुनना जरूरी है। और ये हम लोग की इच्छा होनी चाहिए, हम प्रभु की आवाज सुन सकते। एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को प्रभु की आवाज नहीं आती? हाथ उठाइए। जब आप यहां मीटिंग में बैठे थे और आप वचन सुन रहे थे, प्रभु ने आपसे बात की, फिर आप ये क्यों बोलते प्रभु आपसे बात नहीं? प्रभु आपसे वैसे बात नहीं करते जैसे आपको लगता है उनको करना चाहिए। हम लोग चर्च में वचन के टाइम को कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन जो बात आत्मा की अगुवाई से बोली जा रही है, वो आत्मा की अगुवाई से ही समझी जा सकती है। आमेन। प्रभु की आवाज सुनना जरूरी है गलतियों से बचने के लिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो तकलीफें आएंगी, रुकावट आएगी। मैं सब बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। अब इसको बोलिए, भले ही मुझे अंधेरी घाटियों से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की चिंता नहीं, मुझे उसकी लाठी उसके डंडे पर भरोसा है। कई लोगों को पूरा भरोसा है कि शैतान उनको भटका सकता है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि शैतान उनको रोक सकता है, उनको कॉन्फिडेंस है कि उनका कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन प्रभु पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बोलो भरोसा, भले ही मुझे अंधेरी घाटी से, आप जब अच्छा जीवन जीने लगोगे लाइफ में तकलीफें और रुकावट आएंगी, लेकिन भले ही मैं वहां अटक जाऊं, प्रभु मुझे वहां से निकाल लेंगे। आमेन। कोई बोलेगा, आज से शैतान पे कोई भरोसा नहीं, आज से मैं डाउट में नहीं जीऊंगा, आज से कंफ्यूजन में नहीं जीऊंगा, सिर्फ प्रार्थना नहीं करूंगा, विश्वास भी करूंगा। कॉन्फिडेंस, मैं सब बोलो कॉन्फिडेंस, प्रभु पे भरोसा। कई बार आप प्रेयर कर रहे हो लेकिन आपको भरोसा नहीं प्रभु आपके, आपने आपकी जरूरत है, आपने प्रेयर, आपको भरोसा ही नहीं कि प्रभु जवाब दे सकते, फिर प्रेयर क्यों कर रहे हो? जब हम प्रभु पे भरोसा करते हैं, प्रभु के लिए वो बात सम्मान की, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। जो उसके पास आएगा उसको विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और हर खोजने वाले को वो उसका प्रतिफल देता है। जब आप आत्मा की आवाज सुनेंगे, आप गलतियों से बचेंगे। कैसे बचेंगे? गलतियों से बचेंगे। जब उसकी आवाज सुनना चाहेंगे, आप कैसे सुनेंगे? आप वचन पढ़ेंगे। कितने लोग आवाज सुननी है? पढ़ो वचन, शिक्षाएं सुनो। जब सुनते रहोगे, प्रभु तुमसे बात करते रहेंगे। तो बोले, प्रभु हमसे बात नहीं करते। लोगों को कैसे चाहिए बात करना? प्रभु प्रभु आगे बोलेंगे, मेरे बच्चा तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। प्रभु हर बार ऐसे बात नहीं करते और हर जन से ऐसे बात नहीं करते। प्रोफेसी किसको बोलते? प्रोफेसी गिरे कंधों को उठा सकती है, निराश लोगों को उत्साहित कर सकती है। आमेन। प्रोफेसी के लिए भविष्य की बात करना जरूरी नहीं है,
प्रोफेसी के लिए सिर्फ जब आप सुनोगे आप बोलोगे ये इंसान कोई नहीं बोल रहा, मेरे मन की बात है, परमेश्वर जवाब दे। मन के भरमाने से बचना है तो पवित्र आत्मा की लीडिंग चाहिए। वो प्रभु की आवाज जीवन के हर क्षेत्र में हमारी अगुवाई करेगी।